हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ जो मैं काफी ज्यादा बनाती थी। जब मेरे बेबीज हुए थे तो मेरे बाल काफी ज्यादा झड़ गए थे जिसकी वजह से बहुत पतले बाल हो गए थे, तो कोई हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता था। अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ आज एक हेयर स्टाइल शेयर करने वाली जो काफी ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे मेरा सेकंड चैनल जिसपे मैं अपना ब्लॉग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, डेली लाइफस्टाइल में मैं क्या करती हूँ वो सारी चीजें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल पे जाइए। सेकंड चैनल का नाम है प्रीत तिवारी 2, तो वहाँ पे भी जरूर जाएगा। तो चलिए बताती हूँ कौन सा हेयर स्टाइल मैं करती थी जब मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके थे एंड पतले हल्के थे। तो जिसके पतले हल्के बाल हैं वो ये जरूर ट्राई कर लीजिएगा, वो भी सिर्फ एक हेयर क्लिप की मदद से। तो सबसे पहले मैं क्या करती थी, इस तरीके से हेयर को कॉम करके अच्छे से, रबर बैंड की जरूरत पड़ेगी आपको क्योंकि ऑलरेडी आपके बाल पतले हैं, इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेंगे। ओके, अभी पतले बाल हैं लेकिन थोड़े से लंबे हैं तो ये आराम से बन जाएगा। ये एंड पार्ट को आपको रबर बैंड के पास रखना है और इस तरीके से ध्यान दीजिएगा कि आपका एंड पार्ट छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से करना है। एक बार और देख लीजिए, इस तरीके से हाथ को लेके जाना है, ऐसे खींचना है, देन एंड पार्ट को यहाँ पे रखना है। एंड जो हम लोग सिंपल वाला बन बनाते हैं वैसे आपको ऐसे करना है और एंड पार्ट को छोड़ना नहीं है, ऐसे पकड़ लेना है। अब इसके अंदर ही आपको बीचों बीच क्लिप्स को लेके जाना है। जैसे अगर मेरा छोटे बाल है तो ये एंड पार्ट निकल जा रहा है, तो खुद दोबारा से ऐसे कर दीजिएगा। और ये आपने आपको क्लिप लगा देना है, एंड पार्ट को अंदर दबा देना वापस अगर निकल गया हो तो। और ये साड़ी के लिए आपका ये बन बन के रेडी हो जाएगा। काफ़ी इजी है एंड पतले हल्के वालों में काफ़ी आसानी से आप बना लोगे और साड़ी के लिए बेस्ट रहेगा, कंफर्टेबल है, लो बन है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये इस तरीके की इजी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए एंड वेडिंग सीजन के लिए भी बहुत सारी हेयर स्टाइल है मेरे चैनल पे, तो जाके चेकआउट कर लीजिए। मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोस भी हैं एंड ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड डिटेल, ब्यूटी टिप्स वगैरह सब कुछ मैं अपने चैनल पर लेके आते रहती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेके आ गई हूँ ब्यूटीफुल सा वन हेयर स्टाइल, वो भी सिर्फ एक हेयर क्लिप की मदद से। ओके, तो इसकी मदद से मैं हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। ये जो मेरा मेकअप दिख रहा है ये मेरे स्टूडेंट ने किया है एंड ओके मेकअप है। लिपस्टिक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है एंड आई मेकअप भी ओके है, धीरे धीरे सीख जाएंगी। एंड क्लिप मैं वीडियो के बीच में डाल दूंगी तो आप देख लेना कैसे किया हुआ है इन्होंने मेकअप। तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। साड़ी के लिए वन हेयर मेकअप से, हेयर क्लिप से, हेयर पिन से मैं आपको एक हेयर स्टाइल बना के दिखाऊंगी, वो भी छोटे पतले हल्के बाल हैं तो आप बना सकते हो। कैसे करना है पूरा वीडियो एंटर देखिएगा। मैंने आज हेयर वॉश किया है जिसकी वजह से मेरे बाल थोड़ा सा बाउंसी दिख रहे हैं, वैसे मेरे बाल इतने ज़्यादा घने हैं नहीं जितने दिखते हैं। अच्छे से कॉम करेंगे और यहाँ पे रबर बैंड लगा देंगे। इस तरीके से रबर बैंड को लगाएंगे, फिर रबर बैंड को थोड़ा सा लूज करेंगे, सेंटर में एक होल करेंगे, देन रबर बैंड को नीचे की तरफ से खींच लेंगे और फिर टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद से आपकी क्राउन एरिया का हेयर जो है वो फ्लैट हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से खींच के फ्लैटनेस को ख़त्म कर देना है। एंड अभी यूज करेंगे हम लोग अपना हेयर मेकर, उसके लिए आपको थोड़ा सा हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ओके, क्लिप को लगाएंगे और इस तरीके से कर देंगे। ओके, अब जो ऊपर का हेयर बचा हुआ है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और आपस में क्रॉस कर देंगे। ओके, क्रॉस करके जो हेयर क्लिप है उसके नीचे के हेयर को लेके जाएंगे और पूरा नीचे ले जाके एक बॉबी क्लिप की मदद से या फिर आप रबर बैंड लगा लेना या फिर बॉबी क्लिप की मदद से दोनों एंड पार्ट्स को एक साथ मिक्स कर देंगे और ये हमारा ऑलमोस्ट हेयर स्टाइल डन हो चुका है।
जहाँ भी आपके एक्स्ट्रा हेयर्स वगैरह दिख रहे हैं वहाँ पे आप यूपिन की मदद से उसको सिक्योर कर लेना। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो, ये है हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। तो साड़ी के लिए अगर छोटे बाल है, पतले हल्के बाल है, तो ये वाला हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो, वो भी सिर्फ एक हेयर मेकर से। और मार्केट जा रहे हो और आपके हेयर अच्छे नहीं लग रहे, तो आप इस तरीके से अपने हेयर को काफी अच्छा लुक दे सकते हो, और पतले हल्के वालों में भी काफी खूबसूरत आपका बन बन के रेडी हो जाएगा। आई होप कि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, ताकि इसी तरीके की न्यू हेयर स्टाइल एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स की वीडियोज आप लोग के साथ में शेयर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरे सेकंड चैनल पर जरूर जाइए मेरी ब्लॉग्स वीडियो देखने के लिए, सेकंड चैनल का नेम है प्रीत तिवारी 2। वहाँ पे मैं डेली अपडेट डालते रहती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ स्टाइल में डेली रूटीन्स में करते रहती हूँ वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भी जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।